दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लोटस वर्ड ग्लो स्क्रब से चेहरे को चमकाने का बेहतरीन तरीका, जिससे चेहरे पर एक अच्छा निखार दिया जाए, एक अच्छा ग्लो आए। तो दोस्तों, किस तरीके से आप करेंगे इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पानी मार के इनके चेहरे को धो दिया है, चेहरे पर जो भी गर्द जमी हो, धूल मिट्टी लगी हो साफ़ हो जाए। दोबारा से पानी में मार देंगे, इनके चेहरे को बढ़िया से भिगो देंगे हम। अब हम इनके चेहरे पर लगाएंगे फेस वॉश। दोस्तों, ये एलोवेरा फेस वॉश है, बहुत अच्छा फेस वॉश होता है। स्क्रब करने से पहले हम चेहरे पर फेस वॉश लगा देंगे एलोवेरा का, ताकि चेहरे की सफाई हो जाए, चेहरे पर जो भी धूल मिट्टी लगा हो साफ हो जाए। फेस वॉश लगा करके हम इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक का मसाज करेंगे इनके चेहरे का। दोस्तों, ऐसा करने से चेहरे पर अच्छा निखार आता है। तो जब भी आप चेहरे पर स्क्रब लगाएं, तो पहले फेस वॉश लगा के मसाज कर दें, उसके बाद स्क्रब लगाएं। ये दोस्तों लोटस वर्ड ग्लो स्क्रब, फेस वॉश के ऊपर से हम लगा देंगे। इस तरीके से हम लगा दे रहे हैं इनके चेहरे पर। दोस्तों, इस तरह से हम स्क्रब लगा करके कम से कम 5 मिनट तक का मसाज करेंगे इनके चेहरे का। ये दोस्तों ऑरेंज फेस वॉश, स्क्रब के ऊपर से हम लगा देंगे ऑरेंज फेस वॉश। इस तरीके से मसाज करेंगे इनके चेहरे का। इसमें दोस्तों स्क्रब और फेस वॉश मिला करके हम इनके चेहरे की मसाज कर रहे हैं। इस तरीके से मसाज करने पर चेहरे पर एक अच्छा निखार आता है, चेहरा ग्लो करता है। तो इस तरीके से बढ़िया से पूरे चेहरे को मसाज करना है। 5 से 7 मिनट तक कैसे मसाज करेंगे आप। दोस्तों, जितने अच्छा आप चेहरे का मसाज करेंगे, उतना अच्छा चेहरे पर निखार आता है, उतना ही अच्छा चेहरा ग्लो करेगा। तो आप सभी समय रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम इस पर डालेंगे गुलाब जल। इस तरीके से गुलाब जल डाल करके मसाज करना है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सपोर्ट करें, और वीडियो को हमारे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, 5 मिनट हाथ से मसाज करने के बाद में अब हम मशीन से मसाज करेंगे इनके चेहरे का। इस तरीके से 4 से 5 मिनट तक का मशीन चलाना होता है, पूरे फेस पे, गले पर, मत्थे पर, गाल पर, सब जगह। आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से कंटिन्यू मसाज कर सकते हैं 12 से 15 मिनट तक का। तो दोस्तों, अच्छा रिजल्ट के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। जितने अच्छा आप मसाज करेंगे चेहरे पर, उतने अच्छा निखार आएगा, उतने बेहतरीन चेहरा ग्लो करेगा। मशीन चला देने से चेहरे पर जो ब्लड सर्कुलेशन मांसपेशियों का होता है वो सही हो जाता है।
और मशीन से मसाज करने पर चेहरे पर एक अच्छा निखार आता है, चेहरा ग्लो करता है। तो आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से मसाज करिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक का। तो हमने करीब 5 मिनट तक का मशीन चलाया था इनके चेहरे पर। अब हम पानी मार दे रहे हैं, इस तरीके से पूरा चेहरा भिगो देंगे, सूख गया है क्रीम। ऐसा हम 2 मिनट तक और मसाज करेंगे हाथ से इनके चेहरे का। उसके बाद हम धो करके आपको दिखाएंगे इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा इनका कितना बेहतरीन ग्लो कर रहा है। इस तरीके से स्पंज से पोंछ देंगे। मशीन से मसाज करने के बाद में हमने करीब 3 मिनट तक का हाथ से मसाज किया था। इस तरीके से पूरा चेहरा धो करके अभी हम आपको दिखाते हैं इनके चेहरे का निखार कितना अच्छा है, इनके चेहरे पर ग्लो आया है, चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है, बहुत अच्छा मसाज हुआ है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मसाज हुआ है, चेहरा बिल्कुल चमक गया है, खिल गया है, बहुत अच्छा निखार आया है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।